द लिविंग वर्ल्ड, डाइवेस्टिंग लिविंग वर्ल्ड के आगे फोर चैप्टर्स हैं, जो हमारा यूनिट वन है, फोर चैप्टर्स हैं हमारे पास, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अभी तक हमने तीन चैप्टर्स की बात कर ली, अभी द लास्ट चैप्टर हमारा एनिमल किंगडम, जो में हम बात करेंगे हमारा नाइन्थ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा एंडोस्केल्टन जो है ऑफ कैल्केरियस ऑसिलस, उसको एंडोस्केल्टन ऑफ कैल्केरियस ऑसिलस जिसको हम बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा, मतलब स्पाइनी बॉडी। ये सभी इकाइनोडर्मेट्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं ये सभी मेराइन होते हैं। इनके अंदर ऑर्गेन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। इकाइनोडर्मेटा में जो एडल्ट होता है, जो एडल्ट होता है उसको, उसके अंदर रेडियली सिमेट्री देखने को मिलती है, मतलब हम जो बॉडी है उसको किसी भी मतलब किसी भी तरीके से अगर हम उसको सेंट्रल एक्सिस मतलब कहीं से भी लें, उसको कट करते हैं तो वो इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होता है। देन लार्वल जो स्टेज होती है काइनोडर्मेट्स में, उसमें बायलेटरल सिमेट्री को देखने को मिलती है, मतलब बॉडी को हम सेंट्रल एक्सिस से काटेंगे तभी वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी। इसका मतलब है एडल्ट और लार्वल स्टेज दोनों देखने को मिलती है, दोनों अलग अलग है, तो इसमें अंदर क्या देखने को मिलती है हमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, देन और बात करते हैं इसके बारे में, हमारे पास फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। देन इसके अंदर ट्रिपोप्लास्टिका है ये एनिमल्स, ट्रिपोप्लास्टिका है, मत के अंदर एक्टोडर्म जो एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में एक लेयर पाई जाती है मीजोडर्म। देन सीलोमेट है बॉडी वॉल गट वॉल के बीच में जो कैविटी पाई जाती है उस, वो मीजोडर्म से पर्टिकुलरली लाइंड होती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है माउथ से लेकर एनस तक। ओके, और माउथ लोअर साइड पर इनका माउथ होता है, एंड माउथ लोअर साइड पर इनका माउथ होता है द वेंट्रल साइड, एंड डोर्सल साइड पे इनका एनस होता है। देन इनके अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है जो इनको हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, खाने को कैप्चर करने में, देन ट्रांसपोर्ट करने में, खाने को ट्रांसपोर्ट करने में और रेस्पिरेशन करने में, गैसेस को एक्सचेंज करने में, और इसके अंदर बट एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पाया जाता है बट एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। देन इनके अंदर सेक्सेस जो है वो सेपरेट होती हैं। देन रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर वो सेक्सुअल होती है, एंड फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है मतलब बॉडी के बाहर होगी। डेवलपमेंट इनके अंदर इनडायरेक्ट होती है विद अ फ्री स्विमिंग लावा। एग्जाम्पल्स इसकी आ जाती हैं जैसे एस्टेरियस, जैसे स्टारफिश है, इकाइनस जिसको हम सी अर्चिन बोलते हैं, एनिटिडॉन जिसको हम सी लीली बोलते हैं, कुकुमेरिया जिसको हम सी ककम्बर बोलते हैं, ओफ्यूरा जिसको हम ब्रिटल स्टार बोलते हैं। तो अभी हम बात करते हैं हमारा टेंथ फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा इनको अर्लियर जो है हमने सब फाइलम एक सब फाइलम के अंदर फाइलम कॉर्डेटा में एज अ सब फाइलम रखा था, बट नाउ इट्स अ प्लेस एज अ सेपरेट फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। यस, और एक और बात यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, फाइलम पोरीफेरा से लेके फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक सभी जो फाइलम्स हैं वे नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, और इनके अंदर रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है इन अ कॉलर रीजन पे एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं, जो एज अ नोटोकॉर्ड सिमिलर होती है, इसलिए हमने इसको कॉर्डेट्स में रख दिया था, बट इट्स अ स्टोमोकॉर्ड, है ना। तो उसके बाद फाइलम जो है कंसिस्ट करता है स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म, छोटा ग्रुप वॉर्म्स का जो लाइक मेराइन एनिमल्स। ओके, स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक अ मेराइन एनिमल्स जिसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलती देखने को मिलती है। ऑर्गन सिस्टम जो है अलग अलग वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल होती है और बॉडी इनकी तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर, लॉन्ग ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर, लॉन्ग ट्रंक। इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, वीन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज एब्सेंट होते हैं। देन रेस्पिरेशन जो है इनके अंदर बाय गिल्स होती हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनके अंदर जो एक्सक्रीशन करते हैं वो ऑर्गन इनके अंदर प्रोबोसिस ग्लैंड है, प्रोबोसिस ग्लैंड। सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट होती है, मतलब डाइवोशियस है, मेल अलग है फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल होती है, पानी के अंदर होती है, मतलब बॉडी से बाहर होगी। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिनेक्ट है एडल्ट और लार्वल स्टेज। एग्जाम्पल इसकी आ जाती है बैलन ग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस। क्लियर है? तो यहाँ तक हमारे वन
टू 10 फाइलम ख़त्म होते हैं, पोरीफेरा टू हेमीकॉर्डेट्स फाइलम सभी जो है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 11th फाइलम, हमारा लास्ट फाइलम कॉर्डेट्स की बात करेंगे। ओके।